नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक और नए वीडियो में। BMW मोटरार्ड ने अभी अभी अपने सोशल मीडिया से ये अनाउंस किया है कि जो उनकी एडवेंचर मोटरसाइकिल है R1250GS, वो इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। अब ये मोटरसाइकिल आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल होंगी, स्टैंडर्ड और एडवेंचर, और ये CBU रूट के द्वारा इंडिया में लाई जाएगी। इसी के लिए हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड वाला वेरियंट है उसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 लाख रुपए एक शोरूम से स्टार्ट होने की। कलर ऑप्शन आपको इसमें स्टैंडर्ड में 3 मिलेंगे और एडवेंचर में भी 3 मिलेंगे। डिजाइन की बात करें तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है प्रीवियस मॉडल से, ऑलमोस्ट मोटरसाइकिल सेम दिखती है। थोड़े बहुत ट्वीक्स यहाँ वहाँ करे गए हैं, लेकिन जब मेन डिजाइन की बात करें तो जो यूनिक सा हेडलाइट है, इसका फ्रंट का बीक है और जो एडजस्टेबल विंडस्क्रीन है, वो सब कुछ सेम है। अगर बाकी डिजाइन की बात करें तो इसको मिलता है एक नकल गार्ड, क्रैश गार्ड प्रोटेक्टर, टायर हगर, इंजन सम गार्ड और ऑप्शनल पैनियर बॉक्सेस लगाने का भी आपको फैसिलिटी है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यू एडवेंचर मोटरसाइकिल है वो पावर होती है 1254 cc के बॉक्सर इंजन से, जो कि अब BS6 कंप्लायंट है। ये इंजन 6-speed गियरबॉक्स के साथ जुड़ा है और जिसको स्लिप एंड असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड मिलता है। जैसे दूसरे मोटरसाइकिल में आपको चेन ड्राइव मिलती है, इस मोटरसाइकिल में आपको शाफ्ट ड्राइव मिलती है। पावर फिगर्स की बात करें तो पावर इसका है 134 bhp और टॉर्क है 143 nm। इस मोटरसाइकिल में आपको 3 राइडिंग मोड भी मिलेंगे, इको, रोड और रेन, और अगर आपको और राइडिंग मोड चाहिए तो कस्टमर्स प्रो राइडिंग मोड ऑप्शनल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 और राइडिंग मोड अवेलेबल हो जाएंगी। फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको मिलता है 6.5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि एक आई ड्राइव कंट्रोलर, जैसे कि BMW का आई ड्राइव कंट्रोलर होता है, वैसे ही इसके लेफ्ट हैंडल पे एक स्विच गियर है जो कि वो पूरे स्क्रीन को कंट्रोल करता है। वहां से आप काफी चीजें टॉगल कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है मोटरसाइकिल के बारे में। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसको मिलता है USB सॉकेट, इंटीग्रल ABS प्रो, हिल स्टार्ट कंट्रोल, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल, 6-axis IMU और फुल LED लाइटिंग आगे पीछे हर जगह मौजूद है इस बाइक में। अब स्टैंडर्ड वेरियंट में आपको मिलेगा 20 लीटर का फ्यूल टैंक, लेकिन जो एडवेंचर वेरियंट है उसमें मिलेगा आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इसमें आगे मिलता है आपको 37 mm का BMW का टेलीलीवर USD फोक, और पीछे की तरफ आपको मिलता है एक मोनोशॉक यूनिट जो कि एक सिंगल साइड फ्रेम में जुड़ा हुआ है। ब्रेक्स की बात करें तो इसको आगे मिलता है 305 mm का डुअल डिस्क ब्रेक, जिसमें 4 piston कैलिपर की सेटिंग है, और पीछे की तरफ एक सिंगल डिस्क ब्रेक जो कि 276 mm का और 2 piston कैलिपर से सेट है वो, और पीछे की तरफ आपको मिलता है 276 mm का एक डिस्क ब्रेक। व्हील और टायर की बात करें तो जो स्टैंडर्ड और एडवेंचर मोटरसाइकिल के लिए दोनों के जो है टायर साइज सेम है। आगे उनको मिलता है 19 इंच का और पीछे उनको मिलता है 17 इंच का, लेकिन स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा एलॉय व्हील, एडवेंचर मोटरसाइकिल में आपको मिलेगा स्पोक्ड व्हील जो कि ट्यूबलेस होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए हिंदी ड्राइव स्पार्क को फॉलो करना मत भूलिएगा।